नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे भक्ति एंड फन वीडियो चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग को साल 2024 में जनवरी का दूसरा प्रदोष व्रत कब है, उसका पूजा मुहूर्त, पूजा विधि, कथा सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए भक्तों, श्रवण करते हैं। त्रयोदशी तिथि शिव जी की प्रिय मानी जाती है। इस दिन प्रदोष व्रत रहता है। भगवान शिव को सर्वोच्च प्रिय कोई व्रत है तो वह है प्रदोष व्रत। प्रदोष व्रत के शिव जी संध्या काल में कैलाश पर प्रसन्न होकर नृत्य करते हैं और समस्त देवी देवता उनकी उपासना करते हैं। यही कारण है कि इस दिन प्रदोष काल शिव साधना करने से सारी मनोकामना पूरी होती है। पौष माह के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत 23 जनवरी 2024 मंगलवार को है। मंगलवार के दिन त्रयोदशी तिथि होने से ये भूम प्रदोष व्रत होगा। कर्ज से मुक्ति के लिए भूम प्रदोष व्रत की खास मान्यता है। पंचांग के अनुसार पौष माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 22 जनवरी 2024 सोमवार को शाम 7:51 से होगी और 23 जनवरी 2024 मंगलवार को रात 8:39 तक मान्य रहेगी। प्रदोष व्रत में प्रदोष काल में शिव पूजा होती है। सूर्यास्त के पश्चात रात्रि के आने से पूर्व का समय प्रदोष काल कहलाता है। इस दिन पूजा के लिए शाम 5:52 से लेकर रात 8:33 तक का शुभ मुहूर्त है। अब चलिए भक्तों, प्रदोष व्रत की पूजन विधि श्रवण करते हैं। भूम प्रदोष के दिन स्नान के बाद सफ़ेद या नारंगी रंग के कपड़े पहनने चाहिए। बेलपत्र के पेड़ में जल चढ़ाएं, व्रत का संकल्प लें, दिन भर निराहार रहकर शिव जी का स्मरण करें। शाम को पुनः स्नान कर बेलपत्र के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं, मिट्टी के शिवलिंग बनाएं, केसर मिश्रित दूध से शिव शंभू का अभिषेक करें, भांग धतूरा भस्म बेलपत्र आदि शिव को चढ़ाएं, भगवान शिव को साबुत चावल की खीर अर्पित करें, आरती कर प्रसाद ग्रहण करें। भूम प्रदोष के दिन सुबह हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, चमेली के तेल का दीपक लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें, फिर हलवे का भोग लगाकर गरीबों में बांट दें। मंगल दोष से मुक्ति और विवाह में आ रही अड़चने दूर करने की प्रार्थना करें। हर माह के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष तिथि का व्रत किया जाता है। प्रदोष व्रत की तिथि जब मंगलवार को आती है तब उसे भूम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। भूम प्रदोष व्रत में कथा सुनना व कहना बहुत पुण्यदायी माना जाता है और इस कथा से पूजा भी पूरी होती है। मान्यता है कि भूम प्रदोष व्रत की कथा सुनने व कहने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं। आइए जानते हैं भूम प्रदोष व्रत की कथा के बारे में। सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार का दिन व्याधियों का नाशक है। इस व्रत में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया वह मोक्ष को प्राप्त हुई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उनका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को एक ना तो घर लिपती थी और ना ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफ़ी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा करें। वे साधु का वेश बनाकर उसके द्वार पर जा पहुँचे और पुकारा, हे कोई हनुमान का भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने यह पुकार सुनी तो बाहर आई और महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहें वे मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार परीक्षा करने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लेटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो पैरों तले की धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकारा और साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले न थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा
लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु जब भोजन को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा ले, वृद्धा में आंसू भरकर कहने लगी कि अब उसका नाम लेकर मेरे हृदय को और न दुखाओ। लेकिन साधु महाराज न माने, वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर थी कि मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप में दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि जीवन सफल हो गया है। भूम प्रदोष व्रत की कथा करने के बाद हनुमान जी की चालीसा और शिव चालीसा और उसके बाद आरती जरूर करें। तो चलिए भक्तों, अब शिव चालीसा का पाठ श्रवण करते हैं। दोहा श्री गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग और शिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल पागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, कर सदा शत्रुन शयकारी। नंदी गणेश स्वहतम कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराव, या छवि को कहीं जात न काऊं। देवन जभी जाए पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। क्या उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्ही जुहारी। तुरत षडानन आप पढ़ाओ, लवनी महेश महम मारी गिराओ। आप जरंधर असुर संहारा, सुरेश कुमार विदित संसारा। त्रिपुरासुर संयुद्ध मचाई, तभी कृपा कर लीन बचाई। किया तपि भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तसु पुरारी। दानिन महम तुम सम कोई नाही, सेवक स्तुति करत सदाही। वेद नाम महिमा तव गाई, अखद अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट उद्धि मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय विहाला। कीन दया तहम करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना, जीत के लंग विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजम चम सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, कर्त कपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राही त्राही में नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल सतुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मातु प्रीता भ्राता सब होई, संकट ने पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरु अब संकट भारी। धन निर्धन को दे सदाई, जो को जाचे सो फल पाही। स्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, शमु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, ता पार होते शंभु सहाय। रिनिया जो को ही हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्र हीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तेही हुई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहत अयोध्यास मारी, जानी सकल दुख हरु हमारी। दोहा नितम नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो। जगदीश मक्सर छठी हेमंत ऋतु, समन चौसठ जान। स्तुति चालीसा से भी पूर्ण किण कल्याण। जय शिव बाबा जी। अब चलिए भक्तों, हनुमान चालीसा का पाठ श्रवण करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधारी। वरनऊ रघुवर विमल जसु, जो दायकु फल चारी। बुद्धिहीन तनु जाने के, सुमरु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ ब्रज ओ ध्वजा विराजे, गांधे मुंज जनेयु साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर।
प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के कांच सवारे, लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति के नी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरती संभाई, सहस बदन तुमरो यश गावे, अस्कहि तिपति कंठ लगावे, संकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ऐसा, जम कुबेर दिखपाल जहाँ थे, कवि कुबित कहीं सके कहाँ थे, तुम उपकार सुग्रवही कीना, राम मिलाए राजपत्तीना, तुमरो ममंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, ले लो ताही मधुर फल जानो, प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही, जल्दी लांगी गए अजरज नाही, दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते, राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक कहू को डरना, आपन तेज समारोह आपे, तीनों लोक हाँकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरि सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग प्रताप तुम्हारा, हे परसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असु निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अजवर दीन जान की माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विसरावे, अंतकाल रघुबर पुर जाए, जहाँ जन हरि भक्त कहाई, और देवता चितना धरे, हनुमत से सब सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सदवार पाठ कर कोई, छुट्टी बंदी महासुख हुई, जो है पढ़ू हनुमान चालीसा, हो सिद्धि साखी गोरीसा, तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजिए नाथ हृदय महमडेरा, दोहा पवन तने संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसु सुरूप, सियावर रामचंद्र की जय, बजरंग बली की जय। अब चलिए भक्तों आरती श्रवण करते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजा धारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लडुवन का भोग लगे संत करे सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया, सूर्य श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा, सूर्य श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, बोलो गणपति बप्पा मोरिया, ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे, हंसासन गरुडासन, हंसासन गरुडासन, वृषवाहन साजे, ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर भुज, दस भुज अति सोहे स्वामी, दस भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे, ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वन माला, रुंडमाला धारी स्वामी, रुंडमाला धारी, मृगमद लोचन भाले शुभकारी, ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे स्वामी, बाघांबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे, ओम जय शिव ओंकारा, कर मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता स्वामी, चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता, ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा
विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, त्रिभुवन स्वामी जी की आरती। जो कोई नर गावे स्वामी, जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा, स्वामी भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। बोलो शिव पार्वती की जय। समस्त देवी देवताओं की जय हो। हर हर महादेव। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।